बना दिए उनको, इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में अतिकवा उसमें फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। नाम बिल्कुल गलत है, इनका नाम बिल्कुल गलत है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फंसाए गए हैं, इनका नाम सुबान नहीं नाम है। ये उमेश पाल हत्याकांड मामले में दूसरे एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी का घर है, जहां मातम पसरा हुआ है। विजय की माँ, पत्नी और बहन का रो रो कर बुरा हाल है, वो पुलिस पर सवाल उठा रही है, सवाल इस एनकाउंटर को लेकर, सवाल विजय को उस्मान बताने को लेकर। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में आज पुलिस ने बड़ी दो कार्रवाई करी है, पहला अरबाज और दूसरा विजय चौधरी। हम विजय चौधरी के घर पर खड़े हैं, देखिए ये वही घर है विजय चौधरी का, जहां पे विजय चौधरी रहा करता था। और प्रयागराज के ये घोरपुर इलाका कहा जाएगा, वहां के रहने वाले थे। परिवार में देखिए पूरी तरीके से रोना पिटना समट गया है, ये इनके पिताजी हैं। हम पिता क्या लगता है बाबूजी, जो किया झूठ किया है पिता ने, सही किया? झूठ किया। क्या हुआ था रात में? रात में पहले हमको पकड़ के ले गए थे गन्ने तक करके, फिर उसके बाद हमको जब उसके बाद बरहा था एक जगह, उसके बाद हम यही डीजे का डीजल गया था, तो कहा कि वो मोबाइल मंगा रहा है बिपिन, उसको पहले पूरी पकड़ लगी, तब उसके बाद हम मोबाइल लेके गए तो हमको भी बैठा लिया। यानी उनको भी बैठा लिया। इनकी पत्नी है हमारे साथ, आपको बता दें ये जो विजय चौधरी की बात करें, ये है विजय चौधरी, इनकी पत्नी के पास फोटो है, यही है विजय चौधरी। कब शादी हुई थी आपकी? 2020 में। तो ये विजय चौधरी हैं, वहाँ लोग कह रहे हैं कि विजय चौधरी उस्मान नहीं है, सब फरोबी है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको, इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में अतिकवा उसमें फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। हम लोग इतने दिन से देश में हैं, हमको लोग पता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, गाँव टोला वाले भी जानते हैं कि क्या नाम है, हम लोग मुसलमान हो गए हैं। तो पुलिस जो कह रही है नाम गलत है, उस्मान जो नाम ले रही है, नाम बिल्कुल गलत है, इनका नाम बिल्कुल गलत है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फंसा भी करिए, हमारा कौन है, आगे पीछे कोई नहीं है मेरा, मैं भी लंबी शादी की थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं था। मतलब क्या गलत मारा गया है? बिल्कुल गलत मारा गया है। तो विजय की पत्नी का आरोप है कि जानबूझकर विजय का गलत नाम बताया जा रहा है, वो कहती है कि विजय ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था, जबरन विजय को उस्मान बनाया जा रहा है। वो कहती है कि वो लोग अतीक को जानते तक नहीं, उनके मुताबिक विजय तो एक कंपनी में गाड़ी चलाने का काम करता था। विजय की पत्नी कहती है कि चाहे तो जेल भेज देते, सजा दे देते, लेकिन एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। कल से क्या गतिविधि थी आपके घर पर पुलिस वाले? विधि थी यही थी, पूरा फोर्स आया था, बैठा था, पूरा चारों तरफ से घुमा रहा था हमको, पूरा खेत घुमा रहा था। क्या कह रहे थे? कहे कि चलो उसको बुलाओ। काहे बुलाएं हम? तो अब क्या कहेंगी योगी जी, क्या कह रही है? हम योगी जी से यही कहते हैं, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमको भी मारते तभी हमारे पति सब वो करते हैं, लेकिन हमारे पति वो नहीं थे, मारते नहीं, लोग वो कर देते हैं, चले जाते हैं, 2-3 साल के लिए जेल हो जाती है, लेकिन इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, गलत हुआ। हमारा भी कर दीजिए वो इनकाउंटर, योगी जी से कह दीजिए हमारा इनकाउंटर भी कर दीजिए। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 4 बजे कौंधियारा में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। वहीं मारे गए शूटर का नाम विजय चौधरी उर्फ उस्मान चौधरी बताया गया। कहा गया कि विजय ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन अब विजय के परिवार के लोग जिस तरह से इससे इनकार कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।